हम ऐसा कहना चाहते हैं कि इरफान सोलंकी जो है वो देश का डेवलप करेंगे, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं देखेंगे, वो ये सोचेंगे। हम ये बोल रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं। आपको हटाना चाहिए तो यूपी में कानपुर ने मुझको दिया क्या है, मैं बत्ती दूं क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग इस टाइम पे हैं सीसामऊ विधानसभा और यहाँ से अमित शाह जी आए हुए हैं आज के रोड शो में और उनकी यहाँ पे अभी रैली निकलने वाली है। यहाँ पे जैसे कि आप भीड़ सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे उनके स्वागत के लिए लोग बहुत जोरों जोरों से एक्साइटेड है, खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। अब यहाँ पे पूछते हैं कि सीसामऊ बाजार में, सीसामऊ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पूरा मुस्लिम इलाका बसा हुआ है, अभी तक ही इरफान सोलंकी जी जीतते आ रहे हैं। हम ऐसा कहना चाहते हैं कि इरफान सोलंकी जो है वो देश का डेवलप करेंगे, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं देखेंगे, वो ये सोचेंगे। हम ये बोल रहे हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं, वो हिंदू और मुस्लिम डेवलप करेंगे और दोनों तरफ सरकारों को अच्छी तरह से मतलब चलाएंगे सरकार को। आप जो है केसरी रंग पहने बीजेपी का है और आप इरफान सोलंकी के बारे में कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, आप जो है बीजेपी का केसरी रंग पहने हैं, आप कौन है? नहीं, आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से लोग होंगे जो की सीसामऊ रोड शो में। आंसर भगवा पहनने के बाद आप देना चाहेंगे कि हम इरफान सोलंकी को कहां से बताएं? कैसी बात कर रहा है? आपको हटाना चाहिए तो पकड़ तो हटो उसको, भाग गया। यार आप इसकी इज्जत रख के काम, आप उल्टी बात बोल रहे हैं। मैं उल्टी बात नहीं बोल रहा था, ठीक किया करिए उसको। हां भाई साहब, आप बता रहे हो आपने ठीक किया भाई साहब, आपको बोले ले गया उसके ऊपर लगाया। मैं ये उसको कहना चाहता हूँ, सही किया आपने। मैं यहाँ से धोनी कर रहा हूँ, मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ। सबका साथ सबके विकास के साथ, इसके नाम पे इज्जत करिए। जय श्री राम। उन्होंने जो बोला उसको मैंने आपसे कहा हटा दीजिए। आपने बोला, आपके बोलने के बाद हटाया? नहीं, आप पहले हटा रहे थे, मैंने भी हल्ला मचाया। आप हटा रहे थे, आप बड़े भाई बन जाओ, किसी बात का आप बड़े भाई बन जाओ, आप हटा रहे थे। बोलो जय श्री राम। देखिए, बात मुस्लिम गढ़ की नहीं है, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबके साथ सबके विकास की बात करिए। श्री राम। सबके साथ सबके विकास की बात करिए। कोई योगी और मोदी गवर्नमेंट कोई एक को लेके नहीं चल रही है, वो सबके लिए काम कर रही है। और सीसामऊ सलील बिश्नोई जी को हमारे हिसाब से कोई नहीं छू पाएगा। तीन इलेक्शन वो मैं नहीं बात करता हूँ, पिछले तीन इलेक्शन से क्या हुआ, पिछले तीन मैं जनता हूँ। नहीं, कोई मुस्लिमगढ़ नहीं। तो अभी जो दौर चला वो दौर अलग था। वोट पूरा हिंदुत्व के राज में पड़ेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं इस अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ, सीसामऊ विधानसभा क्या? मैं कानपुर की बात करना चाहता हूँ। मैं 2003 को याद दिलाना चाहता हूँ, हमारी जनता बताएगी 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी 2003 सरकार में? 2003 में माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी और ठीक है, और उस गवर्नमेंट ने हमारे साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता था कानपुर वालों के साथ, देखिए यहाँ पे कानपुर वालों के साथ क्या होता था, सुनिए तो पूरी बात सुन लीजिए क्या होता था। जब हमारे कानपुर शहर में बत्ती नहीं आती थी तो माननीय मुलायम सिंह कहते थे यूपी में कानपुर ने मुझको दिया क्या है, मैं बत्ती दूं क्यों?
के बाद फिर पब्लिक ने परिवर्तन किया। 2007 माननीय मायावती जी की सरकार आई, वो रात में 3 बजे काटते थे, सवेरे 5 बजे देते थे। मायावती जी दिन में 3 बजे काटती थी, शाम को 6 बजे देती थी। तो ये हमारी जनता बचाएगी। और 2017 के बाद हमारे योगी जी की सरकार आई है, तो कोई जनता उठा के बता दे जी। जी कटिहार से लोग नाराज हैं जी, यही मैं बता, नाराजगी दूर हो जाएगी। आज हमारे अमित शाह जी हमारे शहर में, हमारे सीसामऊ क्षेत्र में है। इसी प्रकार अमित शाह जी हमारे कल्याणपुर का दौरा जब करेंगे तो वहाँ की जनता नीलमा जी के साथ होगी। वहाँ के मुख्यमंत्री दौरा लगा हुआ है, वहाँ कल्याणपुर से मुख्यमंत्री करेंगे, ठीक है ना। आज हमारी जनता ये नहीं जानती है कि बत्ती कब जाती है। घंटे 4 घंटे लाइट मिलती थी, आज कम से कम 16 घंटे लाइट। मुलायम सिंह का दौर याद करिए, मायावती का दौर याद करिए, हमारे योगी जी का दौर याद करिए। जनता